सतगंज अब तो अमेठी में आ गया है। मैं यहाँ आया हूँ, आज सीताराम का विवाह है और एक लंबे अरसे से यह बाबा मुरारी दास यहाँ के जो हैं सगरे सर्रा काम करते हैं, इनके आश्रम में मैं इसलिए आता हूँ कि ये सही में बाबा है। उधर दिखाइए गाय बांधे, ये गाय बंधी, फिर इधर दिखाइए, तो ये सब सही है। लेकिन जो आज के समाज में हम चाह रहे हैं, हाँ वही ये कारीगर है जिनकी आप तारीफ करते हैं। अच्छा अच्छा, अपना आशीर्वाद दो इनका, बड़ा काम दो, बड़ा कैटरिंग का काम दो इनको। अच्छा अच्छा, भोजन देखना आज सब्जी, अच्छा, मजा आ जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। इनके हाथ में जादू है। नहीं आशीर्वाद है और आप बड़े भाग्यशाली हैं कि एक ऐसे जगह से जुड़े हैं जहाँ पर वास्तव में बाबा लोग हैं, है ना, ये बहुत बड़ी बात है। बाबा जी के यहाँ जब भी भंडारा होता, हम कहीं भी रहें, हाँ, हम इनके लिए 100% समय निकालते हैं, भंडारा निःशुल्क होता है बाबा जी के यहाँ। आप अपना मोबाइल नंबर बताइए ताकि दुनिया लोग जाने। हमारा मोबाइल नंबर है 9565817717714। एक बार फिर से बोल दें, 9565817714 हमारा मोबाइल नंबर है। नाम कमलेश कुमार प्रजापति, रहने वाले फुर्सतगंज के बगल के हैं, पूरे कुमारन निगोहा पोस्ट अमेठी। तो कहने का मतलब ये कि हम इस समाज में थोड़ा और बदलाव लाना चाहते हैं कि गौ माता को देवताओं की माँ कहा गया है। देवताओं की माँ को कितना कष्ट मिल रहा है, ज्यादा लोगों को नहीं आ जाइए आप लोग लाइव चल रहा। तो इसमें कितने बाबा लोग हैं जो विशेष करके गौ सेवा के लिए ध्यान दें, खास करके गौशाला के लिए। तो गौशाला में जाए, सरकार की व्यवस्था में कोई कमी नहीं, सरकार जो वो कर रही है जो आज तक हिंदुस्तान में होना था और किसने नहीं किया, वो योगी जी कर रहे हैं। अयोध्या में राम की बारात निकल रही है, यहाँ भी एक शोभा यात्रा निकलनी थी लेकिन बड़ा परमिशन ले दुनिया भर का झाम रहा, तो यहाँ पर संतों का भंडारा हो रहा है और अपना भी सभी कर लिया कर लेना, यहाँ पर आयोजन है। तो हमारा मतलब है कि आप लोग थोड़ा जागरूक होंगे और गाय सेवा की ओर, हर बाबा को एक गाय रखना चाहिए, जैसे देखा दिया तो श्याम बाबा आए हुए हैं वो भी गाय रखे हुए हैं, तो और लोग बाबा लोग जो है आप भी गाय रखे हुए नहीं, नहीं तो रखिए, इधर आइए और मैं बच्ची को, ये भी बड़े कर्मठ हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन गाय अभी तक नहीं रखे क्योंकि अभी तक ये अमेरिका में रहे, अब ये भारत में आए हैं, अब इनको हम जगा रहे हैं, अब आपको गाय रखना है तभी इतना होने पर, है ना, तभी बाबा लोगों की पहचान होगी। अगर गाय की सेवा नहीं करोगे समझ गए तो बहुत भयंकर मुसीबत आ जाएगा, भयंकर मुसीबत आएगा, कितने लोग मरेंगे कहा नहीं जा सकता। तो हमारा मतलब कि हम ये देख रहे हैं कि इधर का देखाइए थोड़ा, जाइए आप मशगूल हैं, आए मैं ये चाहता हूँ आप यहीं बनाते करीब आ जाइए, बोल रहे तो करीब आ जाइए। हम ये चाहते हैं कि सारे बाबाओं को जागरूक किया जाएगा, सेवा परमो धर्म। हम लोग पंडित बिरादरी के हैं, सबसे बड़े दोषी तो हमें लोग हैं, हम लोगों ने छिपा दिया, सेवा को छिपाया और अपनी सेवा कराया, है ना, क्या कारण है आज हम पूरी दुनिया से जुड़े हैं। शांतिलाल प्रजापति 500,00,000 रुपया खर्चा किया, प्रजापति जी, ए प्रजापति जी, अरे किसी प्रजापति के बारे में बोल रहे हैं, बम्बई के गुजरात के रहने वाले शांतिलाल प्रजापति जी, जी वो हमारे, ए भैया जरा घेरे हो जाओ, घेरे घेरे, एक मिनट एक, शांतिलाल प्रजापति जी हमको यूट्यूब पर देखा, शांतिलाल प्रजापति जी कपड़े के व्यापारी हैं, मुंबई में रहते हैं,
अब हर आदमी की एक स्वभाव है, उस आदमी के स्वभाव में है भयंकर, उसका हमने टाइटल दिया है भयंकर बादल, उसका टाइटल मैंने दिया भयंकर बादल। मालूम क्या किया उसने, उसने देखा कि बंदर रोटी रोटी बाबा परेशान है, उसने रोटी बनाने की मशीन कंपनी से ऑर्डर दे दिया। कंपनी वालों ने कहा आप क्या करेंगे, आप तो कपड़े के व्यापारी हैं, थोड़ा इधर भी दिखा दो ताकि ये लोग आवें, कपड़े के व्यापारी हैं आप क्या करेंगे। कहीं नहीं, रायबरेली यूपी में एक बाबा है, वो बंदरों को रोटी और ये सब दिया करता है, तो उस बाबा के नाम से एक मशीन हम लगवाना चाहते हैं। तो रोटी बनाने की कंपनी के मालिक ने मालूम क्या कहा, कहे ना आप पूरी दुनिया के पहले आदमी हैं, हमारे यहाँ जो रोटी की मशीन हम लोग बेचते हैं वो बड़े बड़े गुरुद्वारा वाले और लंगर वाले और भंडारा वाले ले जाते हैं, बड़े बड़े मठ वाले, आप दुनिया के पहले इंसान हैं कि बंदर के लिए आप रोटी की मशीन खरीदने आए हैं, लिहाजा हम 2 लाख रुपए जो हमको मुनाफा मिलना है मैं नहीं लूँगा। 3.5 लाख में मशीन शांतिलाल प्रजापति को दे दिया गया। देखिए शांतिलाल जी ये भी प्रजापति है, चल रहा है ना बेटा, ये भी प्रजापति है, नाम बताइए अपना। कमलेश कुमार प्रजापति है। कमलेश कुमार प्रजापति, फुर्सतगंज अमेठी जिला, ये अधिला अमेठी आ गया है। तो इस आदमी के अंदर भी जादू है, कोई प्रजापति को मैंने देखा कि ये कुछ उसमें खासियत है और तभी इनको प्रजापति का दर्जा दिया गया। अभी बाबा मुरारी ने परिचय करवाया कि जो प्रसाद वगैरह बनता है जिसकी आप तारीफ किया करते हैं कहीं इसी यही जादूगर है, चाहे जितना छोटा बड़ा हो भंडारा इनके हाथ में वो जादू है कि अब क्या बताना है। इसलिए इनका नंबर हमने इंटरनेट पर डाला कि कोई ज्यादा लोग हो, बड़ा ऑर्डर हो कुछ हो तो आप संपर्क कीजिए, आप जो लायक हैं मदद कर देंगे, राय दे देंगे। तो शांतिलाल प्रजापति ने रोटी की मशीन खरीदा बंदरों के लिए, बाबा ये भोग की तैयारी करवा ले, अब फिर तैयारी किया वहाँ किया, भोग लग जाए, 3 लाख रुपया नगद दे गए हमको, चाहे आप सब अपना आश्रम ठीक करवाओ, ये करवाओ वो करवाओ, पंडित जी को जाना है, एक रिक्शा हमको दे दिया खरीद करके बैटरी वाला, ये तो जाते ही नहीं, और रोटी बनाने की मशीन लगवाए, वहाँ के लोगों को सौंप दिया। कहे अरे बाबा जी अब आप कहाँ परेशान होंगे, उनके दिमाग में था कि हम ये दिखावें कि देखिए मैं बम्बई में रह के और मैं बंदर हो करूँगा। एक कोई रहा यहाँ पूरब का जौनपुर का कोनो ठाकुर आए, वही का वो मैनेजर बना दे, और उसके बाद कहने वाले बाबा जी आप आराम कीजिए और कोई दिक्कत नहीं, हमने कहा बड़ी खुशी की बात है, जाके उद्घाटन मैंने करा दिया। 3 महीने के अंदर वो जो जौनपुर का ठाकुर रहा, इतने बड़े कमरा में एक मनई झाड़ू लगावट रहा, इतने बड़े कमरे में 200 रुपया रोज, शाम का लखनऊ से इंग्लिश दारू आवत रहा, अंदर बंदर के रोटी उटी मिलना तो गा चुले भाग में, 50,000 के कर्जा लाद दही सुन के ऊपर, और उसके बाद वो भाग गवा। अब उनके मशीन बड़े मुसीबत पड़ी, तो जो उन लोग बिछवानी लोग रहे अशोक हलवाई वगैरह, नई स्कूटर एक्टिवा वो रख ले, नया जनरेटर 1 रात नहीं चला वो रख ले अशोक हलवाई कि हमारा बकाया है। तो हमने शांतिलाल से कहा आपने हमको दूध के मक्खी जैसा बाहर किया, क्या बाबा जी आप किनारे होइए, यह बाबा जी का चमत्कार है कि आग लग गई विध्वंस हो गया। वो तो कहो दिल्ली की सुमन माँ ने किसी तरह मशीन छोड़ाया 35,000 नगद दे के, और जनरेटर नया सब ध्वस्त हो गया। तो हमने उनका नाम रखा था भयंकर बादल हैं, रिक्शा भेजें वो बनिया की दुकान बना के भेजें, अरे वो कहो उल्टे से बचा, मरे से हम बच गए, हम कहा ये हड्डी मिर्चा हमका बेचुआ कहा भाई ये क्या है। खैर जो उनके दिमाग में आए 50,000 रुपया, लेकिन उस आदमी ने बड़ा काम किया, एक बछिया रही हमारे यहाँ 3 साल से बछिया रही, उसका मवाद नहीं बंद हो रहा था। तो हम कहा महाराज ये क्या दिल्ली पहुँचवा दो सुमन माँ के यहाँ, तो देख लीजिए ऐसे भी लोग पड़े, वो बछिया 5 रुपए की कोई न देता, उस बछिया के ऊपर उसने 50,000 रुपया लगाया,
हवाई जहाज से दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से रायबली टैक्सी में, फिर नोवा के 26,000 में किराए पर, बचिया का लाजिश अपना बैठा, हमका बैठाई, और सीधे हम लोग दिल्ली गए और बचिया सोमन माँ की यहाँ दे आए। मतलब इतना मूडी आदमी प्रजापति था, लेकिन दुनिया में उसका नाम तो हो ही गया। दुनिया का पहला आदमी है जो बंदर भोज के लिए उसने रोटी की मशीन दान में दे दिया। तो यहीं के लोगों ने, यहाँ महाराज दारू रू बना था ना, भुवनेश्वर आप चले जाओ, शायद कोई घर बाकी हो जो दारू लपिए थे, और जहाँ दारू पहुँचा तो बड़े बड़े राज्य रजवाड़े बोतल में घुस गए। हमारी आपके क्या औकात है? तो कुछ जब प्रजापति के नाम सुना तो हमने कहा शांति लाल जी देखिए इस आदमी के अंदर वो जादू है। हेलो, और यहाँ के स्थान में भी जादू है। छोटा मोटा कार्यक्रम, लेकिन इतने बड़े मतलब कारीगर हैं कि लोग तारीफ करते हैं। ठीक ठीक ठीक, इस हिसाब से कर रहे हैं तो ठीक है। कभी आपको यहाँ कोई कमी आई आज तक? नहीं आई। ठीक, नहीं आई और न कभी आवेगी, क्योंकि एक सही जगह से आप जुड़े हैं। तो कुल मिला देखिए मोबाइल है आपका, ठीक है, अब आप देखें। तो हमारा मतलब है कि हम जितने साधु समाज के लोग हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास गुंजाइश हो तो आप लोग एक एक गाय अपने कुटिया पर रखो। गाय सेवा करेंगे तो बड़ी बरकत आ जाएगी, कहीं कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। आखिर मोरारी के पास एक फील के जेल में अगर तलाशी लिया जाए, 1 रुपया नहीं होगा। और काम इनके बड़े बड़े होते हैं। कल हमने तारीफ किया लखनऊ में, कहा क्या वो तांत्रिक हवन करवा देते हैं। अरे हम कहा उसका वो मास्टर है, वो मास्टर है उसका। तो इसी तरह अच्छा होता है। अब क्या है, इनके पास में इनका व्यवहार, इनका एक जादू है। जेब में एक पैसा नहीं है, लेकिन काम इनका रुकता नहीं है कभी। कि कोई भाई आओ, क्यों कोई काम रुक जाए, लोग आ जाओ। तो अब उसको माला मूली हो जाए, बाद मार्ग का कार्यक्रम होगा। लगे बंद किया।